हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सेक्टर 6 अस्पताल की गायनी डॉक्टर पूनम भार्गव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सेक्टर 5 थाने में एसपी नूपुर बिश्नोई ने पूनम भार्गव से पूछताछ की। गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार थी। पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि अब आरोपी से जानने की कोशिश की जा रही है कि फरार होने के बाद वो कहां कहां रही और किन लोगों से उसकी मदद की। आपको बता दें कि डॉक्टर पूनम ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें वो अवैध तरीके से गर्भपात करवाने के लिए पैसे मांगती दिखाई दे रही थी। पूरा मामला पंचकुला से सामने आया। February 5 को एक ये केस रजिस्टर हुआ था आफ्टर एक जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी CMO द्वारा और उनकी टीम द्वारा, उसके बाद में जिसके अंदर की एक वीडियो सामने आया था जिसमें कि डॉक्टर जो है अबॉर्शन के नाम के पैसे लेती हुई पाई गई थी वीडियो में। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज जो डॉक्टर हैं डॉक्टर पूनम भार्गव उनकी अरेस्ट हुई है आफ्टर रेड वॉज कंडक्टेड, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया आज के लिए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 4, 5, 6 तो वहीं यहाँ पंचकुला से पूरा मामला सामने आया है जहां पर डॉक्टर पूनम भार्गव को गिरफ्तार किया गया है। अवैध गर्भपात का ये पूरा मामला है पंचकुला से, जहां पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है।